ये फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो सबसे बड़ी जो आप लोग की वीडियो की इन्फॉर्मेशन है देने में आप लोग को बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप लोग को ये जो डिटेल्स हमारे पास इस टाइम है जो मैंने एनालिसिस करके आप लोग के लिए लाया है वो बहुत ही एक्साइटिंग है और आप लोग को बताने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो टारगेट गुरुकुल चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लो। कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट LLB एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के लिए, वीडियो उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने कॉल, मैसेज, इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया था कि यहाँ पर आप लोग के तमाम डाउट क्वेश्चंस को, कॉल को, सारे कुछ समझने के बाद हमने कुछ टॉपिक्स को यहाँ सेलेक्ट किया। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है सिलेबस एंड पैटर्न। आप लोग को यहाँ क्लियर कर देंगे कि आप लोग को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी AU के लिए LLB एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहने वाला है। सेकेंड टॉपिक भी डिस्कशन करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम आपको बताएंगे कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं वो भी क्लियर करने वाले हैं। लैंग्वेज आपके पेपर इंग्लिश में होंगे या हिंदी में होंगे ये भी कन्फर्म करने वाले हैं। ठीक है, जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम या क्रैक करोगे तो काउंसलिंग टाइम जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो आपको पता होना चाहिए क्या डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप टाइम आपका एक महीना है उसको आप रेडी करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सीट इन LLB फैकल्टी, तो आप लोग को फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि LLB मेन कैंपस के लिए सीटें कितनी है, तो जिससे कि आप लोग को कंपटीशन की तैयारी करो तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख लो सिलेबस एंड पैटर्न पे बात करने से पहले आप लोग को यहाँ पर बता दें कि फ्रेंड्स सिलेबस पैटर्न अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो LLB के लिए, ठीक है, तो आप लोग सिंपली करना क्या है, आप लोग सिंपली आ सकते हो टारगेट गूगल के व्हाट्सअप पे, वहाँ पे अपना नाम, कॉलेज नेम, कोर्स नेम लिख के सेंड कर दो। आपको वहाँ ज्वाइन करने के बाद जो भी आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी आपके नोट्स हैं वो आप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ये आप लोग की कम्युनिटी है, यहाँ पर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके रहते हैं आप यहाँ पर लगातार पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का सिलेबस में तीन पार्ट रहते हैं, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी दो ऑप्शन रहते हैं, आप लोग दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करते हो, वहाँ पर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए वहाँ पर आप लोग को जो आपका सब्जेक्ट अच्छा रहता है, जिसमें आप लोग की पकड़ अच्छी है, वो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग के कुछ क्वेश्चन आप लोग के इंग्लिश, हिंदी, यानी मान चलो 20 क्वेश्चन आप लोग के लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। ठीक है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग के जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बता दें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आप लोग को इन्हीं दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी देखने को आपको मिल जाएगी। मान चलो कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोग को तैयार करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो पॉलिटिकल साइंस, खास करके आप लोग को इस पर ध्यान देना है, यानी आप लोग के सिलेबस में लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एटीट्यूड आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के जो सब्जेक्ट हैं वो भी मैंने अलग करके बता दिया, आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग कैसे आप लोग तैयारी करनी है। ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे आप लोग को ग्रेजुएशन लेवल करेंगे। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है ग्रेजुएशन हाई लेवल करेंगे, तो आप लोग को प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ BA LLB की तैयारी करते हैं तो ये फुल सारे क्वेश्चंस आप लोग के 12th लेवल के रहते हैं, यानी इंटर लेवल के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल का डिफरेंट देखने को मिलता है, क्वेश्चन कुछ एडवांस रहते हैं। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन दो नंबर, यानी आपका पेपर टोटल हो गया 300 नंबर का। ठीक है, 300 नंबर का पेपर, यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है निगेटिव मार्किंग आप लोग के लिए नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप पूरा 150 क्वेश्चन करना है, ए भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, इतना आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आपके सिलेबस एंड जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं उसको आप अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। टारगेट गूगल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए तुरंत प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किए रहो, आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके LLB पेपर होने वाले हैं, तो CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, किसी बोर्ड के हो आप लोग कंफर्टेबल रहो, बिल्कुल फ्री रहो, आप लोग तैयारी करो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है,
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको, 10+2 की मार्कशीट आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, 5 से 7 पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो बनवा लेना उसको। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। इनकम, कास्ट, रेसिडेंट आपके पास होना चाहिए। एंड ऑप्शनल है, अगर आपके पास EWS NCC स्पोर्ट कोटा है तो इसको बनवा कर रख लो, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी वेटेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो आप लोग जनरल गए तो कास्ट आपको नहीं चाहिए, आप लोग इनकम कास्ट बनवा लेना, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो आप लोग का आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, नंबर ऑफ सीट, ठीक है। फ्रेंड्स मेन कैंपस में LLB के लिए 335 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 335 सीटें, ठीक है। तो ये बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अच्छी खासी सीटों यहाँ पर सीट यहाँ पर LLB के लिए AU कंडक्ट कराता है। तो जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, लगभग बता दें आप लोग को, तो यहाँ पर लगभग आप लोग के 10,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म LLB एंड BA LLB के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है, तो आप लोग मान चलो जो आपको सिलेबस बताया गया है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना। जो भी क्वेश्चंस यहाँ आपको इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, जो भी PDF आपको व्हाट्सअप मिलेगा उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आप लोग की जो स्टडी है उसमें आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, काफ़ी आप लोग यहाँ पर देखने के बाद कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम तुरंत नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हम बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।